जो केजरीवाल है सो रहे हैं और यहाँ पे सामने जो है ये स्टाफ में से लड़की ही यहाँ पर बेहोश हो गई है, एक्सपायर हो चुकी है, वो हमारे साथ ही ड्यूटी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुई है। किसी अधिकारी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया और आए दिन LTO का तबीयत खराब हो जाता है, फिर भी कोई सपोर्ट नहीं करता। और सम्मान से पेट तो नहीं भरेगा मैम, पेट को तो रोटी चाहिएगी और रोटी तो ऐसे नहीं मिलेगी मैम। बेटी से 1.5 साल दूर रही हूँ इस जॉब के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए। जब हमारे कई डॉक्टर मारे गए, कई लैब टेक्नीशियन अपनी जान से चले गए, तब ये सरकार कहाँ थी? तब जिनको ये मौका दिया जा रहा तब वो लोग कहाँ थे? मरने के लिए हम राजी हैं, मरने के लिए हम राजी हैं फ्रंटलाइन वर्कर में, और मौका किसी और को मिलेगा? केजरीवाल जी का कच्चा भी फट जाए ना तो वो ये चेक कर रहे हैं कि कितने इंच फटा है। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और इस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 के पास मौजूद हूं और यहां पर नर्सिंग जो स्टाफ है वो मौजूद है, सारे युवा यहां मौजूद हैं, लगातार उनकी डिमांडें जो हैं वही उन्हीं पे जो है हम बात करेंगे यहां पे इस वक्त। अभी मैं इनसे पूछती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए सामने, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो स्टाफ लगा पड़ा है वो उसमें ही एक लड़की यहाँ पर बेहोश हो गई है और सामने केजरीवाल दिल्ली सचिवालय 6 गेट नंबर 6 के सामने लोग सारे मौजूद हैं, युवा सारे जुटे हुए हैं और जो केजरीवाल है सो रहे हैं और यहाँ पे सामने जो है ये स्टाफ में से लड़की ही यहाँ पर बेहोश हो गई है। अभी इन्हीं से जान लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। मैम, सुबह से हम लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं तो इसको अभी सडन डिहाइड्रेशन हो गया है, हम लोगों को वहाँ पे खड़े होने से, यहाँ पे खड़े होने से मना कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े कर रहे थे धूप में, सुबह से हम ये लोग सब हंगर स्ट्राइक पे हैं। कहाँ से आए आप लोग? सब अलग अलग जोन से हैं, यहाँ पे सब एक साथ मिलके कर रहे हैं, हम सब वैक्सीनेटर हैं ऑल ओवर दिल्ली में। 11 मंथ्स पहले हमें यहाँ पे डिप्यूट किया गया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड, हम सबको यहाँ पे रिपोर्ट किया गया और अब हमें टर्मिनेट कर रहे हैं विदाउट किसी कट से नोटिस। हमारे पास PM और CM दोनों के न्यूज़ है, उन्होंने हमें बोला था। ये देखिए मैम, ऑल सच प्रोफेशनल हु आर ऑफर एटलीस्ट हु आर ऑफर 10, ये PM मोदी जी कहते हैं कि जिसने 90 डेज से ज़्यादा काम किया है उन सबको परमानेंट जॉब देंगे। वी डोंट वॉन्ट परमानेंट जॉब, एटलीस्ट वी वॉन्ट जॉब। उसके बाद हमारे पास दूसरे मैसेज आए जिसने बोला था कि गवर्नमेंट में जितनी भी पोस्ट खाली है हेल्थ वर्कर्स को सबको हम ऐसे सम्मानित करेंगे। सम्मानित तो छोड़ो मैम, हमें तो बिना उसके निकाला जा रहा है। किस पद पे हैं? मैं यहाँ पे वैक्सीनेटर हूँ, स्टाफ नर्स। लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी दे चुके हैं मैम और हम इनको ये हैं सेक्रेटरी साहब को भी दे चुके हैं, हम 4 जगह पे अपना पत्र दे के आ चुके हैं, लेकिन CM साहब ने क्या बोला है कि उन्होंने हमें अंदर बुलाया लेकिन कोई हमसे मिला नहीं, उनके कोई पर्सनल पीए हैं, वो बाहर तक एक बार ये नहीं हुआ उन्हें कि मेडिकल स्टाफ आया है। वैसे तो फूल बरसा रहे थे जब हम लोग कोविड वॉरियर्स थे लेकिन उस टाइम पे बाहर तक आके एक हमारी फरियाद भी नहीं सुनी गई। उन्होंने बोला कि जो वहाँ पे बाहर पुलिस थी, हमने बोला कि क्या ऐसे ली जाती है एप्लीकेशन बस रिसीविंग दे के आप लोग हमें भेज दोगे, तो उन्होंने बोला कि आपने क्या सोचा केजरीवाल साहब आम आदमी हैं जो आपसे आके ऐसे मिल लेंगे। हमारी बात बस, हम किसी पार्टी का वो नहीं कर रहे हैं, बस हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, बस हमारी जॉब हमें वापस दी जाए। अगर हमें ये है कि भाई अगर वो लोग कह रहे हैं कि कोविड चला गया है, वैक्सीनेशन चला गया, तो मैम मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हमें वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाए क्योंकि हम क्वालिफाइड नर्सिस हैं, हमें कहीं पर भी हमें जॉब दे दी जाए प्लीज़। आपको क्या बोला गया था जब रखा गया था? जब हमें मैम बोला गया था, जब बोल रहे थे 3 मंथ्स के लिए हम आपको ले रहे हैं, ठीक है मैम, फिर उन्होंने अपनी सहूलियत कब आपको जो है नियुक्त किया था? मैम मई 2021 में हमारी ज्वाइनिंग थी मैम, इंटरव्यू था और फिर 11 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग हो गई मैम, ठीक है, और मैम उसके बाद से हम लोग यहीं पे जॉब कर रहे थे। आज हमारा लास्ट वर्किंग डे बता दिया गया कि आज आप लोगों को निकाल दिया जा रहा है। कारण नहीं बताया कि ये बताया मैम,
कारण ये बताया है कि वैक्सीनेशन खत्म हो गया है, हम अब अपनी गवर्नमेंट जो हमने एम्प्लॉयज लिए हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, वो लोग वैक्सीनेशन करेंगे, वो लोग जो भी डाटा ऑपरेटिंग है वो सब। सरकार सीधे तौर पे ये कहना चाह रही है कि कोरोना खत्म हो गया है। यस मैम, ये बोलना चाह रहे हैं हमारी सरकार बोलना चाह रही है कि कोविड खत्म हो गया है, आपका वैक्सीनेशन टाइम खत्म हो गया है, अब वैक्सीनेशन हम लोग अपने गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनसे करवा सकते हैं, तो आप लोग जाइए अपने घर। मुझे ये बताइए आपकी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो किस गवर्नमेंट के थ्रू हुई थी? मैम उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, हमने साइन किया था, दिल्ली गवर्नमेंट के हुई थी, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू हुई थी। और जो अभी हमारे पास नोटिस आया वो डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर से आया है, जिसके अंदर ये लिखा है कि फर्स्ट डोज का जो अपसर्ज है 90% की फर्स्ट डोज कम्प्लीटेड हो चुके हैं और सेकेंड डोज इज 90%, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है 18+ वो कम्प्लीटेड हो चुकी है। पर ऐसा नहीं है, ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं, ये डाटा एंट्रीज ऑपरेटर्स खड़े हैं, सारे LTs खड़े हैं जिन्होंने कोरोना में टेस्ट करे, कोई यहाँ पे 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे, कोई 1 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे, सारे स्टार्टिंग में 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे लगे थे, फिर वो रिन्यू होता चला गया। जैसे कि हम तब तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते गए, लेकिन तब हमको जरूरत पड़ी तब इन्होंने एकदम से यूज एंड थ्रो वाला रूल कर लिया, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, हमको हटा दिया। पब्लिक को जरूरत थी तो पब्लिक के साथ हम सारे लैब टेक्नीशियन ANM मैडम ऐसी ऐसी जगह बैठ के हमने वैक्सीनेशन की। आपकी किस सरकार पर है? सरकार से है मैम, दिल्ली सरकार पर है, केंद्रीय सरकार। मैम दिल्ली सरकार जॉब दी थी, हमारी सारी नाराजगी उसी से है, केजरीवाल जी का कच्चा भी फट जाए ना तो वो ये चेक कर रहे हैं कि कितने इंच फटा है। ठीक है, कल उनके सिर्फ एक उनका जो CCTV कैमरा सिर्फ वो टूटा था, आज हर चैनल पे केजरीवाल जी चल रहे हैं कि उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है, मारने की कोशिश की गई है। हम 5 दिन से यह भूखे प्यासे पड़े हुए हैं इतनी धूप में, वहाँ पे हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो देश दुनिया में जगह जगह पे वाई वाई लूट रहे हैं कि हम लोगों ने 1 दिन में 2 करोड़ वैक्सीन लगाई है, मैडम वो हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की वजह से है, हम लोगों ने मेहनत की है, स्टाफ नर्स ने मेहनत की है, तब जाके वो रिकॉर्ड बना। आप जो है केंद्रीय सरकार के लिए से क्यों नहीं गुहार लगाते? यस मैडम, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारा सिर्फ ये नहीं है कि भाई वैक्सीनेशन उनके अकॉर्डिंग हुआ है और ऐसी ऐसी जगह पे लगाया है ना, पूछो मत। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, MCD के चुनाव होने वाले, कोई एजेंडा तो नहीं है आप लोगों का यहाँ पे जुटने का? हम सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम किसी भी हमारे काम से मतलब ना अदर किसी चीज से, हमें किसी पार्टी। केजरीवाल जी का अब जो है MCD चुनाव जो है रद्द कर दिया गया और धीरे धीरे वही सब चीजें की जा रही है, आपका भी इस टाइम पे ही जुटना नहीं है, हमारी मजबूरी है, इस टाइम से जुटना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें अभी हटाया गया है तो हमारी मजबूरी हो गई। लैब टेक्नीशियन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और 2 साल से पंकज कुमार 2 साल से कंटिन्यू ड्यूटी हम कर रहे हैं और कोरोना वेरियर फर्स्ट टाइम हम ही खड़े मिलते हैं, हर जगह रोड के किनारे भी ड्यूटी हम किए हैं, सड़कों पर ड्यूटी कर चुके हैं और आल जगह आल डिस्ट्रिक्ट में लैब टेक्नीशियन हर जगह फर्स्ट टाइम वही खड़े रहते हैं, लैब टेक्नीशियन खड़े रहते हैं और फिर हर जगह करने के बाद जब आज कोविड खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है तो हमें निकाला जा रहा है। कोविड खत्म हो चुका है पर जो मेट्रोज वगैरह है सब जगह तो रूल फॉलो किया जा रहा है, मास्क लगा के रखे और कोविड खत्म, आपका जॉब खत्म। राइट, इनका राइट बन रहा है जॉब हमारा सिक्योर करने का, बट ये यूज एंड थ्रू का ऑप्शन दे रहे हैं हमें, जब यूज किया फिर जब इनको जरूरत पड़ी तब यूज पे थे आप लोग, फिर थ्रो कर रहा है, अब 2 साल पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी ये 1-1 साल का पूरा नहीं दिए, धीरे धीरे करते गए, फिर उसके बाद कितने महीने का था? 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था मैम, उसके बाद जरूरत पड़ी है रिन्यूअल करते गए और जब जरूरत इनकी पूरी हो गई तो हमें निकाल, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया ना। अब आपका क्या नाम है? नाम मरियम, मैं नॉर्थ वेस्ट से हूँ, हम लोग ना स्टाफ है, हाँ स्टाफ से हूँ मैं मैडम, कंटिन्यू हम 2 साल से जॉब कर रहे हैं, हमारा रिन्यू होता है 3 मंथ्स 9 मंथ 3 मंथ ऐसे होता है, ठीक है, आज हमें 2 साल हो चुके हैं और जो हमारा पिछले साल जब कोरोना पीक पे था तब है ना हमने अपने एक LT खोया ऑन ड्यूटी, हम लोगों में से थी वो, कोई एक्शन नहीं हुआ है, हाँ LT खोया है तो LT उसका हमारे साथ एक LT ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, वो हमारे साथ ही ड्यूटी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुई है, किसी अधिकारी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया और आए दिन LTO का तबीयत खराब हो जाता है फिर भी कोई सपोर्ट नहीं करता और कोई लीव नहीं, विदाउट लीव काम करते हैं सारे LT हमेशा। और पता है आपको, हम लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं जिससे कि ना वो लोग सेफ रहे और फिर भी वो LT खत्म हुई, फूलों की बरसात हो गई, खुश हो जाना चाहिए ना आपको, फूलों की क्या बरसात हुई मैम, हमें कोई उसका बेनिफिट नहीं है,
जो फूल फूल से हमें क्या रोजी रोटी हमें चाहिए, हमें ड्यूटी चाहिए। आपका सम्मान कर दिया गया और क्या चाहिए मैडम? सम्मान करो, बाकी दिन रोड पर यूज एंड थ्रू अपनाओ, ऐसे नहीं होता है मैम। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था ना, आपको बता दिया था तो फिर 9 मंथ का क्यों बढ़ाया? फिर 3 मंथ का क्यों बढ़ाया मैम? 2 साल हो गए, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल हो गया। इसका ये मतलब तो है नहीं, सम्मान से पेट तो नहीं भरेगा मैम, पेट को तो रोटी चाहिएगी और रोटी तो ऐसे नहीं मिलेगी मैम ऐसे टाइम पे मैम। उस टाइम आप लोग सब समझ सकते हो, आप मीडिया वाले रोड पे थे, हम लोग ANM GN सब लोग रोड पे थे, एंटी वगैरह। सरकार तो आपकी तारीफ करते नहीं थक रही है ना? हम हर सरकार का सम्मान करते हैं मैम, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसका पेट भूखा मारा जाए, रोड पे तो नहीं निकाला जाए ना। जिसका सम्मान किया गया आप उसका अपमान करके आप बाहर निकालोगे? मैं दीनदयाल हॉस्पिटल की स्टाफ हूँ, जो कि हरिनगर में दीनदयाल हॉस्पिटल, हमें लैब टेक्नीशियन हूँ मैं, हमें अपॉइंट करा गया था 5 महीने पहले, नवंबर से मरीज हुए थे, 5 महीने पहले हमें अपॉइंट करा गया था आपकी, 11 महीने हमें बोला गया था 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमें 11 महीने का दिया गया, 11 महीने से हमें 5 महीने पहले ही निकाल दिया, सिर्फ हमने 5 महीने ड्यूटी करी है फिर हमें निकाल दिया अभी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। 10 दिन पहले हमारे पास मैसेज आता है ग्रुप में, जो हमारा पैथोलॉजी का ग्रुप बना हुआ है MD की तरफ से, कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, अब हम कहाँ जाएंगे? हमने अपनी हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे पहले, हमने अपनी अपनी जॉब छोड़ी हुई है, अब हम क्या करेंगे? अच्छा मुझे ये बताइए, मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? हमें तो अपना हक देखिए, वो आप लोगों के साथ कोरोना में खड़ी हुई थी है ना, आपके बराबर खड़ी हुई थी, आपके लिए सम्मान के फूल बरसाए गए थे ना, अभी तो चाहते हैं कि कोरोना खत्म हो, बरसात नहीं चाहिए ना हमें, फूलों की बरसात नहीं चाहिए, गाँव का तो वही चाहिए ना, आप ही लोग तो युवा होते हैं जो वोट देते हैं ना सरकार को लेकर आते हैं। युवाओं को सम्मान चाहिए, सम्मान के साथ साथ नौकरी भी तो चाहिए, क्या करे उस सम्मान, बेरोजगार क्यों कर रहे हो आप? रोड पे सम्मान देख रहे हो आप, सारा युवा की बैठा है, क्या केजरीवाल ही सरकार जो है वही वो बेरोजगार कर रही है मैडम? केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दी थी, केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दी थी कि जिसने भी 90 दिन काम, मोदी की स्टेटमेंट, मोदी ने, केजरीवाल ने भी बाद में बोला था कि जिसने भी कोविड टाइम में काम किया हेल्थ वर्कर फ्रंटलाइन वर्क उन सबको जॉब मिलेगी, सम्मानित किया, सम्मानित कर दिया जाएगा। मोदी सरकार तो 20 करोड़ युवाओं को दे रही है रोजगार। मैडम कहाँ दे रही है, कहाँ दे रही है मैडम? कहाँ वो 20,000 बंदे का? तो आप 20 करोड़ में शामिल नहीं है, या तो आप 20 करोड़ में ही है? कौन से करोड़ में मैम? फिर रोड पे करोड़ में नहीं यार मिल रहा है, देखो आप गलत इल्जाम लगा रहे सरकार पे, किसको मिल रहा है यार? रोड में नहीं, हमारी गिनती रोड पे आ गई हमारी मैडम। देखिए आगे लोगों को और लोगों को मौका मिले और युवाओं को मौका मिले तो उनके लिए कर रहे हैं ना। हम बेरोजगार हो गए, हम बेरोजगार हो गए, घर बैठ गए मैम। करोड़ों की जगह रोड पे लाके दर दिया, उस टाइम हमने दिल्ली गवर्नमेंट की इतनी हेल्प की। यहाँ पे ANM GNM जहाँ पे सारा मेडिकल स्टाफ है, जिनका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, अलग अलग हॉस्पिटल्स का, जो बाहर कर रहे थे एज अ वॉलंटियर काम कर रहे थे, वो अलग अलग सबका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था। हम सब इकट्ठे हुए क्योंकि हमारा एक साथ खत्म किया गया, किसी का तो जो बोला गया था उसकी ड्यूटी नहीं करवाई, कईयों को 2 साल बोला गया था उनको 6 महीने ड्यूटी कराई है, कईयों को 5 कराई गई है, कईयों का पूरा हुआ उनका हटाया गया है। यहाँ पे सारे स्टाफ के मेडिकल के है, नर्सिस भी है इनमें, ANM भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, सब भी है, लैब टेक्नीशियन भी है, हम लैब टेक्नीशियन है, ये ANM है, नर्सिस है, सारे है, सबको हटाया जा रहा है अभी, क्योंकि कोविड फिर से नहीं आएगा, 2 महीने बाद फिर से इकट्ठे करेंगे। तो आप चाहते हैं कि कोविड बना रहे? नहीं नहीं, कोविड नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए किसी के लिए, लेकिन हमें तो न्याय मिलना चाहिए ना। जो बंदा फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है आप उसे बैक फुट से लाइट मार दो। अभी कोविड हटा नहीं है क्योंकि सबको पता है, आप कह रहे हैं कोविड नहीं, नहीं अगर कोविड हमने कह रहे मैम, सरकार कह रही है कि कोविड खत्म हो गया, हम नहीं कह रहे कोविड खत्म हो गया। खत्म हो गया तो फिर मेट्रो में तो पूरी अनाउंसमेंट होती रहती है मैम, सरकार अपना और सब जगह प्रिकॉशन भी जो है यूज किया जा रहा है, इसी चीज के लिए बोल रहे हैं, और वैक्सीनेशन भी पूरा नहीं हुआ है, किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन हम LT और हमारे साथ जो वर्कर थे लोग भी तो काम कर रहे थे ना, आप ही लोग थोड़ी काम कर रहे थे, PPE किट पहनकर काम कर रहे थे, कोई लोगों से बात कर रहे हैं, निकला था कोविड में, कौन निकला था? मोदी सरकार के जितने भी नेता बोल रहे हैं हमने मदद की है लोगों की, है बोल रहे हैं, बोलते हम भी रहे, सरकार झूठ बोल रही है या तो आप झूठ बोल रहे हैं? आप अपने घरों में बंद वैक्सीन और रुको, आप लोग देख ही रहे थे कौन टेस्ट कर रहा था, नेता तो टेस्टिंग नहीं करेंगे।
तो आपकी अब ये बताइए कि मांगे क्या है सरकार से, आप चाहते क्या है? देखो हम कोरोना वॉरियर हैं सब, लैब टेक्नीशियन भी है, सीडीओ भी हैं हमारे पास और नर्सेज भी हैं हमारे साथ अभी स्ट्राइक में। हमारी एक ही डिमांड है, जिस टाइम हमने अपनी दिल्ली का साथ दिया उस टाइम पे कोई घर से निकलने को भी रेडी नहीं था, सब डर रहे थे कोरोना से हम मर जाएंगे। उस टाइम हम सबसे आगे आए हैं, फ्रंट लाइन ऑफिसर हम भी आए हैं, हमने साथ दिया अपनी दिल्ली का। तो हमें एक ही चीज़ चाहिए, हमें बेरोजगार ना किया जाए, हमें कहीं ना कहीं रखा जाए। हमारे जो एक्सपीरियंस हमने लिया है अपनी ड्यूटी से लिया है, 9-10 महीने हमने काम किया है, उसको कहीं ना कहीं आप फायदे में लीजिए। कोई दूसरे उसमें डिपार्टमेंट मिले, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है आप ले सकते हैं, कोई नया हॉस्पिटल खुल रहा है उसमें ले सकते हैं, लैब टेक्नीशियन है उनको ले सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक आप हम सबको ले सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक। हम रोजगार ही चाहते हैं क्योंकि सब जानते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सेक्टर हैं जो खाली पड़े हैं, चाहे वो CDO, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो ANM की पोस्ट हो। ये आप बोल रहे हैं सरकार दिखा चुकी है वहाँ पद भरे हुए, आपने ऑलरेडी क्यों दिखा दिए पद भरे हुए जब पद खाली है? वो जब कह रहे हैं कि अगले महीने वो वैकेंसी निकालेंगे, जब वो ऑलरेडी वैकेंसी निकालने की मांग कर रहे हैं तो पद कैसे भरे हुए हैं, कहाँ से निकालेंगे वैकेंसी? वो ये भी तो कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ हम वैकेंसी निकालेंगे, जब वो वैकेंसी निकाल सकते तो हमें क्यों नहीं रख सकते, हमें क्यों हटाया जा रहा है जब हम 2 साल से कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर बन के वहाँ काम, लोगों को मौका देने के लिए दे रहे हैं ना? मौके के लिए हम भी तो मैम हम भी तो खड़े थे जब हमारे कई डॉक्टर मारे गए, कई लैब टेक्नीशियन अपनी जान से चले गए, तब ये सरकार कहाँ थी? तब जिनको ये मौका दिया जा रहा तब वो लोग कहाँ थे? मरने के लिए हम राजी हैं, मरने के लिए हम राजी हैं फ्रंटलाइन वर्कर में, और मौका किसी और को मिलेगा? मोदी जी का स्टेटमेंट था थोड़े टाइम पहले जब उन्होंने भाषण दिया कि जो भी कोविड में 90 डेज काम करेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो या कैसा भी स्टाफ हो, उसको जितने भी आगे नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगे या जैसी भी जॉब्स निकलेंगे उसमें उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे सारे एक एक दो दो साल, सारे स्किल्ड स्टाफ है, सारे एक्सपीरियंस्ड वन है, तो न्यू जो जब निकल रही है सारी न्यू ज्वाइनिंग जितने भी निकल रहे, क्यों नहीं प्रायोरिटी दे रहे? हमारे पास डायरेक्ट नोटिस ये क्यों आया कि आप घर बैठो 31 से, ये क्यों नहीं आया कि चलो आपको ये कौन कह रहा था? मोदी जी ने कहा हमारे पास एक सेकंड हमारे पास जो नोटिस आया वो आया फैमिली डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर से, जो दिल्ली गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के अंदर आती है, तो वो आया तो दिल्ली गवर्नमेंट से, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट दे दो यार, जहाँ पे इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, इतनी सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, डिस्पेंसरीज है, कहीं पर भी हमें एडजस्ट कर सकते हैं। और मेन अपनी बात पर रहो ना, जब मोदी जी ने बोला प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी देंगे, तो फिर प्रायोरिटी दो, इस चीज का यही सोल्यूशन है। कब तक रहने का इरादा है यहाँ पर दिल्ली सचिवालय? जब तक मांगे पूरी नहीं होती हमारी, हमें आगे हमारा रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक रहेंगे। रणनीति रहेगी अब यहाँ पे हर एज का बंदा खड़ा है यहाँ पे, सारे मेडिकल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनका घर चलाने का एक ही सहारा है कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब्स। तो जब वो प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे ये लोग? और अपने स्टेटमेंट पर रहे ना सरकार, जब बोला है सरकार ने प्रायोरिटी देंगे तो उस नोटिस में ये आ सकता था कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अपकमिंग जॉब में, क्यों नहीं दी जा रही डायरेक्ट? क्यों हमारे पास नोटिस आया कि आप घर बैठिए? 2 दिन में कोई कैसे घर बैठ सकता है? या फिर 1 महीने पहले आता हमारे पास नोटिस कि आप घर बैठिए, आप अपनी जॉब ढूंढिए? वो तो एक तरह किसी हद तक एक बात वो वैलिड होती, पर अभी तो कहीं से वैलिड नहीं है। कहाँ क्या ये क्या मिला जुला समर्थन चल रहा है क्या केजरीवाल सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का? समर्थन कुछ नहीं है मैम, मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ, सपोर्टर नहीं बता रही हूँ मैं आपको, मैं उनका पूछ रही हूँ कि मतलब आप बता रहे मोदी सरकार का भी बता रहे हैं आप बीच में, हाँ ना कि जब हमारी जरूरत थी हमें यूज किया, फिर हमें जो बताया गया था 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे सबका डिफरेंट वो है, सब एक साथ ही कटे हुए क्योंकि सबकी जॉब गई हुई है। अब ये है कि जिनको 2 साल बोला गया था उनका एटलीस्ट कंप्लीट तो करो अब, और आउटसोर्सिंग के जरिए हमें रखा जाता है, जबकि जम के पोर्टल पे वैकेंसीज आती है, फिर वहाँ से जो हमारे टेंडर होते हैं वो लिए जाते हैं। वोट देने के टाइम आप ही युवा होते हैं जो वोट देने पहुँचते सरकार को, परेशान भी हो रहे हैं उसी सरकार, वही तो हम वही चाहते हैं कि अब जैसे केजरीवाल जी की सरकार है तो हम इन्हीं से यही चाहते हैं कि जो हमें रखा गया था, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड दिया गया है, आप आउटसोर्सिंग हटा के सीधा दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर उन्हें रखिए, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जैसे 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है हमें वैसे रखिए, एटलीस्ट एक बंदा 5-5 साल जॉब करेगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, वो प्राइवेट में भी कहीं जाएगा, उसको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। अब हमें 2 महीने रखेंगे, 3 महीने रखेंगे, फिर निकाल के फेंक देंगे कि बस आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, वो क्या करेंगे हम? उसके भी यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
और हमारे हॉस्पिटल में मैम, मैंने खुद दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में काम किया जो कि हरिनगर में, वहाँ पे आईटी की इतनी सारी पोस्ट खाली है, ओटी तो बिल्कुल बंद है। आप लोग बोल रहे पोस्ट खाली है, सरकार सब दिखा रही है कि पोस्ट भरी हुई है। आप एक बार जाके देखिए वहाँ पे, वहाँ जहाँ पे सीनियर हमारे जो स्टाफ देते हैं वो वहाँ पे ओटी बंद होने की तादाद है कि ओटी बिल्कुल बंद है। पेशेंट की लाइन लगी रहती है, एक एक बंदा दो दो बंदे का काम करता है वहाँ पे, पेशेंट इतनी दी। आप पेशेंट को जाके पूछो कभी, वहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में चले जाओ, आप हॉस्पिटल में जाके देखो पेशेंट की कितनी कितनी लंबी, बेचारे 10-10 दिन तक घूमते रहेंगे जिनका नंबर नहीं आता। अगर स्टाफ होगा उनका काम नहीं होगा, जो परेशान हॉस्पिटल में कोई बंदा जाएगा उसके घर का बीमार होगा, जब वो खुद परेशान होगा तभी वो जाता है ना, और हम इनको क्या करेंगे। जब आप बताइए अब अगला कदम क्या होगा, यहाँ पे इतने दिन बैठे रहेंगे क्या ऐसे ही? हम जितने चाहते हैं, हम हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जाए सीधा दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर से। हमारा आपको जो धरने का जो है प्रोटेस्ट का वो पास किया जाता है, एक एप्लीकेशन दी जाती है, वो आपने दी है? हमने अंदर दे रखी है एप्लीकेशन की, हमारा ऐसे ऐसे हमें रखा गया था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने को परमिशन मिल गई है प्रोटेस्ट करने की। अभी तक कोई जवाब नहीं आया अंदर से मैम, कोई जवाब नहीं मिला अभी तक हमें। एक्चुअली मैं सबसे पहले आपसे ना स्टार्टिंग से करूंगा, आपने ये बात बोली है कि सारी पोस्ट भरी हुई हैं, उन्होंने सरकार ने दिखाया है, ठीक है, सरकार बोलती है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जितने भी हेल्थ वर्कर हैं सभी हॉस्पिटल में, आप क्यों ना फिर सरकार जो रिकॉर्ड ले रही है वो हमें रिकॉर्ड, आप न्यूज वाले वहाँ हॉस्पिटल जाकर स्टाफ से पूछो ना कि कितनी पोस्ट भरी हुई है, आप खुद पूछिए उनसे जाके, ठीक है। मैं आपके सवाल को क्लियर करूंगा मैम, ठीक है। पहली बात, अगर ये सरकार चाहती है हम न्यू जॉइनिंग 2 लाख निकाल रहे हैं भर्ती ज़्यादा, मतलब जब हमारी पूरी सीट भरी हुई है तो आप 2 लाख भर्ती क्यों निकाल रहे हो? 20 लाख अभी केजरीवाल ने जवाब बोला है कि मैं 20 लाख नई भर्ती निकालूंगा, वो 20 लाख कहाँ से आ रही है नई भर्ती, ठीक है। हम लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस लिया ना, आप ये कहना चाह रहे हैं आपको निकाल के वो 20 लाख भर्ती है? मैम, हम लोगों ने जो अपना एक्सपीरियंस लिया ना, अपनी जान हथेली पर रख के अपना एक्सपीरियंस लिया है, ये न्यू जॉइनिंग वाले कहाँ लेंगे एक्सपीरियंस, ये अगर हमसे बेहतर कौन जानेगा कि एक्सपीरियंस क्या होता है। मौका तो देखो सब सीख कर तो पेट से नहीं आते हैं ना, मौका उन्हें भी मिलेगा वो भी सीखेंगे। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आपकी जॉइनिंग हुई अभी कोविड में, ये इमरजेंसी आई है, पेंडेमिक बीमारी आई है, और आपके उस टाइम पे आपके ये ना किसी भी भर्ती में आपको लिया जाता है और बाद में आपको निकाल दिया जाए, आप क्या महसूस करोगे आप बताइए। मैं तो खुद आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझसे ही सवाल करने लगे। मैम आपका सवाल ये कि कोई पेट से सीख के नहीं आता, हमने ये बोला हमने पेट से नहीं, बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैम हमने पेट से नहीं, हमने अपनी जान रख के सीखा है, हमने अपनी जान से सीखा है मैम। सभी जान रख के सीखते हैं हथेली पे, कोई नहीं सीखता। जो कोई जाता है ना, जो अच्छे में ही जाते हैं, बुरे में कौन आता है मैम? आपसे पूछ रहा हूँ, कौन आया अभी तक बुरे में? देखिए आपकी बात बड़ी करते हैं। आप कह रहे हैं ना कि औरों को भी मौका मिलना है सीखने का, सपोज दैट हम आपका एग्जांपल लेते हैं, आपने ये सीख ली अपनी न्यूज लाइन, कल को ये या आपके सीनियर आपसे कहते हैं कि आपको निकाल रहे हैं, हम नए बंदों को मौका देंगे, तो आप क्या फील करेंगे? पहले आप मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। देखिए मेरे से क्वेश्चन मत कीजिए, मेरा तो काम है आपसे पूछना। हमने जो 2 साल कोरोना वॉरियर बन के फ्रंट लाइन वर्कर बन के काम करा था, तो हमें उसे कंटिन्यू रखा जाए, और जो जो हमारी पोस्ट है जैसे कि CDO है, लैब टेक्नीशियन है, ANM है, NO है, नर्सिंग ऑफिसर है, सबको उनकी ड्यूटी दी जाए, उनको कंटिन्यू रखा जाए। हम ये नहीं कहते कि हमको परमानेंट जॉब चाहिए, हमको इस काबिल रखा जाए जो हमने पढ़ाइयाँ करी हैं, 10-10 लाख रुपए फूके अपनी डिग्रियों पे, वो हम वसूल सके, अपना घर बार चला सके, हमें इस गवर्नमेंट से और कुछ नहीं चाहिए। और कोरोना नहीं गया, गवर्नमेंट का ये दावा है कि जून में 4th वेव आएगी, उसके लिए आप दोबारा WHO की गाइडलाइन है, उसके लिए आप दोबारा हायर करेंगे। इसका मतलब जो बैठे हुए हैं हमारे CM साहब, वो मतलब समझ चुके हैं कि आप बता रहे 3rd, 4th वेव आने वाली है, मगर तो यानी वो नहीं जानते, WHO ने बोला है, CM साहब ने बोला है, हमने नहीं बोला है कि 4th वेव आएगी, आपकी नहीं, सारी न्यूज चैनलों में आ रहा है, हमें कहाँ से पता चला? उनकी तरफ से यानी कोरोना खत्म हो गया? नहीं नहीं, उनकी तरफ से कैसे खत्म हो गया, मैट्रिक तो गाइडलाइंस है, बाकी जगह गाइडलाइन। चलिए अभी मेरे को लास्ट आपका ये बताइए कि अब जो है आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं? मैम हम ये चाहते हैं, हमने महामारी में आपका साथ दिया, अब हमें आपका साथ चाहिए बस। हम तो आए इसीलिए हैं आपके पास। देखिए हमने ना, हम फैमिली से दूर रह के हमने जॉब, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आप कदम तो कुछ नहीं मैम, हम चुपचाप यहाँ। कितना दिन हो गया आपको यहाँ? मैम हमें तो यहाँ पे 5-6 दिन हो गए हैं।
हो गए हैं, ये बराबर यहाँ पे आप बैठ रहे हैं, कब तक बैठते हैं यहाँ? और पता है अपनी ड्यूटी करके कंटिन्यू रहेगी, जब तक रात में भी रहते हैं यहाँ, रात में भी हम यहाँ पे ड्यूटी करके आ रहे हैं, ये नहीं कि हम वहाँ पे वो कर रहे हैं, हम टेस्ट करके आ रहे हैं, पीपी किट पहनते हैं, पाँच पाँच छः छः घंटे पहनते हैं, हमारी लोकेशन पर हम फेंट हो जाते हैं, वहाँ कोई पानी का किसी चीज़ की सुविधा नहीं होती, हमें वॉशरूम के पास बिठा दिया जाता है कि आप करो, हम वहाँ भी काम कर रहे हैं। अब आप हमारे बारे में तो थोड़ा सोचो ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपके बारे में सोच रही हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ, तभी तो आपका पूछ रही हूँ। अपने डेढ़ साल के बेटे से डेढ़ साल दूर रही हूँ इस जॉब के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए, अब जब हमें आपकी जरूरत है तो फिर सरकार निर्दयी हो, अब आपको हमें आपकी जरूरत है, आप हमारा साथ दो। दोनों सरकार निर्दयी हो गई है, युवाओं का दर्द नहीं समझ रही। समझना पड़ेगा मैडम, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, हम अपील पे अपील करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू मैम। अभी लगातार जो युवा चिल्ला रहे थे कि हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें फूलों की बरसात नहीं चाहिए, ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिनके ऊपर फूलों की बरसात की जा रही थी, अब वही दुखी हैं, और जो सरकारें हैं आंखें मूंद कर बैठी हुई है, सत्ता का नशा इस तरीके से उनके ऊपर सर पर चढ़ा हुआ है कि युवाओं का दर्द भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार ये युवा यहाँ पर चार पाँच दिन से मौजूद है और कह रहे हैं कि हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सिर्फ हमें रोजगार चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं आगे कि इनकी डिमांड जो है, इनकी जो सरकार से गुहार है, कब तक जो है इसकी इनके नारों की आवाज कब तक सरकार तक पहुंचेगी, वो देखते रहेंगे। देखते रहिए जनहित आवाज, नई दिल्ली।